तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की वजह से चर्चा में बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि टीवी वर्ल्ड में कई ऐसे वाक्य हुए हैं जब सेलेब्स को थप्पड़ पड़ा हो, और ये खबर जब मीडिया में आई तो हेडलाइंस ही बन गई। तो आइए जानते हैं ऐसे ही थप्पड़ कांड के बारे में जिन्होंने टीवी की दुनिया में जमकर हंगामा मचा दिया। नंबर एक, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट किया। दोनों की खट्टी मीठी केमिस्ट्री तो लोगों को काफी पसंद ही आई, लेकिन शो में एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब गुस्से में शहनाज ने सिद्धार्थ को लगातार कई थप्पड़ मारे थे। हालांकि सिद्धार्थ ने इसे मजाक में लिया, लेकिन वीकेंड के वार पर सलमान की डांट का शिकार हुई थी शहनाज गिल। नंबर दो, पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा। जी हाँ, इसी शो में पारस और माहिरा की दोस्ती भी काफी देखने को मिली। लेकिन एक एपिसोड में जब पारस माहिरा को पैम्पर कर रहे थे तो उस वक्त माहिरा गुस्से में थी। इसके बाद माहिरा ने पारस को गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। माहिरा की इस हरकत पर पारस खूब भड़के थे और सलमान ने भी इस थप्पड़ कांड की निंदा की थी। नंबर तीन, मधुरी मातुली और विशाल आदित्य सिंह। एक्स कपल मधुरिमा और विशाल के बीच नचबलिए 9 के सेट पर खूब झगड़ा हुआ था। एक बार डांस प्रैक्टिस के दौरान मधुरिमा ने विशाल को थप्पड़ रसीद किया था। इस थप्पड़ कांड पर खूब बवाल मचा। मधुरिमा ने विशाल को थप्पड़ मारने की बात को कबूला भी था। नंबर चार, दीपिका सिंह और अनस राशिद। दिया और बाती हम फेम जोड़ी अनस राशिद और दीपिका सिंह की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीता था। लेकिन दोनों के बीच तब रिश्ते बिगड़ गए जब दीपिका ने अनस पर शूटिंग के वक्त गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका ने उस दौरान पूरी टीम के सामने अनस को थप्पड़ जड़ा था। नंबर पाँच, जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर। एक्स कपल जेनिफर और करण सिंह ग्रोवर के बीच कभी बेशुमार प्यार था, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। रिपोर्ट्स हैं कि जेनिफर ने दिल मिल गए के सेट पर करण को थप्पड़ मारा था। दरअसल जेनिफर को करण की बेवफाई का पता चल गया था। कहा जाता है कि इस घटना के बाद करण और जेनिफर ने महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं की थी, वो अलग अलग शूट करते थे। नंबर छह, प्रिंस नरूला और शिवम। MTV स्प्लिट्सविला के एक एपिसोड में कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला और शिवम के बीच जबरदस्त घमासान हुआ। प्रिंस ने गुस्से में शिवम को थप्पड़ मारा था। इसके बाद दोनों की लड़ाई हुई। बाद में प्रिंस ने अपने अग्रेसिव बिहेवियर के लिए माफी मांगी थी। नंबर सात, राखी सावंत और अभिषेक अवस्थी। राखी सावंत ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी को मीडिया के सामने जोरदार थप्पड़ मारा था। इस थप्पड़ कांड का वीडियो काफी वायरल हुआ था। नंबर आठ, गौहर खान स्लैप किट कॉन्ट्रोवर्सी। गौहर खान को रियलिटी शो रॉकस्टार के फिनाले के दिन ऑडियंस में से उठकर एक शख्स ने थप्पड़ मारा था। गौहर इस शो को होस्ट कर रही थी। शूटिंग के दौरान एक शख्स आया और उसने गौहर को थप्पड़ मार दिया। पुलिस को दिए अपने बयान में शख्स ने बताया था कि वो मुस्लिम होने के नाते गौहर के छोटे कपड़े पहनने से नाराज थे।